नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के गढ़ा थाना अंतर्गत लूट का मामला सामने आया है, लेकिन इसके बाद मारपीट और लूटपाट करने वाले युवकों ने दोबारा उसी रास्ते पर लौटते समय मारपीट की। इतना ही नहीं, उसके भाई के साथ भी इन लोगों ने लात घूसों से जमकर मारपीट की और वहां से फरार हो गए। मामला गढ़ा के शारदा चौक का है, जब ऑटो लेकर जा रहे शमशेर को शारदा चौक में 5 लड़कों ने रोका, जिसके बाद उसे ऑटो से बाहर निकालकर मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने उसकी जेब में रखी 5,000 की रकम भी निकाल ली और ऑटो में तोड़फोड़ कर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने को कहा, जिसके बाद ऑटो चालक अपना काम करने के बाद जब वापस उसी मार्ग पर जा रहा था तो वही लड़के खड़े थे। डर के मारे ऑटो चालक शमशेर ने सद्दाम अपने छोटे भाई को फोन लगाया तो वो वहां पहुंचा और जब उन युवकों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने छोटे भाई के साथ भी जमकर मारपीट कर दी। पीड़ित गढ़ा थाने पहुंची और मामले की शिकायत पुलिस से की है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। घटनाक्रम ये है कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो ऑटो चलाते हैं। ये क्या हुआ, ऑटो लेके माल उठाने शास्त्री नगर जा रहे थे तो शारदा चौक और पचमटा के बीच में कुछ लड़कों ने रोक के इनके साथ हाथापाई की, इनके साथ मारपीट की। इनके पास जो कमेटी के 5,000 रुपये रखे थे वो इनसे छीने हैं और उसके बाद ये हमें इनकी गाड़ी भी तोड़े और उसके बाद ये जब वहाँ से माल लूट करके वापस आए, रूट वही था, वही रूट से वापस आए, इन्होंने हमें फ़ोन लगाया, फिर हम इनके साथ पहुँचे। हमने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम वहाँ खड़े हैं। इनको देख के लड़कों को हमने समझाइश दी, लेकिन लड़कों ने उसके बाद हमारे साथ भी मारपीट की और वहाँ से मारपीट करने के बाद वो लड़के जो हैं वहाँ से फरार हो गए। कितने लोग थे? उन लोग रहे 5 लोग। कहाँ की घटना है ये? घटना है शारदा चौक से अंदर पीली बिल्डिंग की। सद्दाम खान जो घायल है उनका शमशेर खान। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।